की कमी है ना, और अगर पानी की कमी है ना, और अगर पानी की कमी है ना, आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या था वो पूरा मामला। दरअसल 3 जनवरी को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित किंग्स विला रिजॉर्ट पर मोहम्मद नौमान और मोहम्मद अमान नाम के दो युवकों ने एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें जावेद हबीब चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को महिलाओं के बाल काटने के गुर सिखाए थे, और इसी दौरान जावेद हबीब ने एक महिला के सिर पर थूक दिया और ये भी कहा कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो थूक से काम चलाए। साथ ही उनके थूक में कितनी जान है ये भी बताने की कोशिश की गई, जो निश्चित रूप से एक घिनौना कृत्य नजर आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले में पीड़ित महिला पूजा गुप्ता के द्वारा जावेद हबीब के खिलाफ मंसूरपुर थाने में लिखित शिकायत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। तो वहीं इस मामले को लेकर कई हिंदू संगठनों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन द स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया, और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूँगी, पर कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटवाऊँगी।